कोचिंग सेंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कोचिंग हादसे में 5 और गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब तक कुल गिरफ्तारी की बात करें तो 7 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेसमेंट का मालिक भी गिरफ्तार किया गया है, काली गाड़ी का ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इसी गाड़ी की वजह से गेट टूट गया था, जिसकी वजह से पानी का फ्लो काफी ज्यादा हो गया और पानी का बहाव तेज होने के साथ पूरे बेसमेंट में पानी भर गया, तो काली गाड़ी का ड्राइवर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, बड़ी कार्रवाई की जा रही है लगातार, 7 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक, और क्या कुछ अपडेट, जांच कहां तक पहुंची? देखिए, जिस तरह से अगर रंजीत नगर यूपीएससी सेंटर की अगर बात करें तो इस मामले में 5 नई गिरफ्तारियां हुई हैं जो आज हुई हैं, और कल इस मामले में कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस कोचिंग सेंटर के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए कई अन्य आरोपी जो हैं उसके खिलाफ भी आप जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से इस मामले पर दिल्ली का जो राजनीतिक पारा है वो काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि अब इस मामले को लेकर संसद में भी सवाल जो है वो पूछे जाने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से इस मामले में चाहे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपनी तरफ से इस मामले को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ देखा जाए आम आदमी पार्टी के द्वारा भी इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ देखा जाए राजनीतिक बयानबाजी, तो दूसरी तरफ जो है छात्र छात्राएं जो हैं जो उस कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं वो चाहते हैं कि इस मामले में उन्हें न्याय मिले। तो दोनों तरफ से आज जिस तरह से एक माहौल बना है, तो एक इस मामले को लेकर काफी माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इस मामले की नजाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, और इस मामले में एक और शिकायत इस हादसे के पहले दर्ज करवाई गई थी, तो अब ये भी अब जांच का दायरा है कि जब पहले से शिकायत आई थी तो इस मामले पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आखिर लापरवाही क्यों हुई है, कहां से हुई है, किसके द्वारा हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जांच का जो दायरा है काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शंकर, काफी गंभीर मामला है और उस पर जांच काफी गंभीरता के साथ भी करनी होगी, राजनीति से ऊपर उठकर समाधान पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर आनंद।